लाख कोशिश कर लूं, लेकिन अपनी मौत को अंदर आने से नहीं रोक पाऊंगी। मैंने तुमसे वादा किया है और मैं अपना वादा निभाकर रहूंगा। आज किसी एक की जान तो जरूर जाएगी, जरूर जाएगी। चाबी मर रही थी। डैड, इट्स मी पुरु। क्या बड़बड़ कर रहे हैं आप? बेटा एक बात बता, अपने बाप को इतने से भी प्यार करता है तू? Cause that, I love you. कट्टा, I love you. तो ऐसा होता ना तू मेरे को ऐसे ठाक ठाक करके हार्ट अटैक थोड़ी देता। पहले पूरी रात मैं सोया नहीं हूँ। हाँ हाँ, जैसे हम तो यहाँ पूरी रात घोड़े बेच के सोए हैं। नहीं, मैं तो सिर्फ इतना कहना चाह रहा था कि गोली मार। ओए तू ये बता, तेरे को कौन सा जरूरी काम था जो मेरी नींद खराब की तूने? डैड, I don't know. यार सुबह हो गई और प्रीति भाभी अभी तक अपने कमरे से बाहर नहीं आई है। मुझे ना कुछ डाउट हो रहा है। देख बेटा, ये जो डायने और चुड़ैले होती है ना, इनका तो काम ही यही होता है, इनका बिजनेस है ये। पूरी रात खुद तो जागती है, दूसरों की भी नींद आराम करती है। बस एक बात बता, तू क्या कमरे के अंदर ताका जाकी करने का प्रॉब्लम बना रहा है? प्लीज पुरु, अगर हमें कोई उस नागिन से बचा सकता है तो वो सिर्फ प्रीति जी हैं। तो तुम प्लीज कुछ ऐसा मत करना जिससे कि वो गुस्सा हो जाए, ओके? अपनी, मैंने जानने की कोशिश की थी, मैं उनके कमरे के बाहर भी गया था, पर कमरे के अंदर से सिर्फ मंत्रों की आवाज आ रही थी। खोते दा पुत्र है, खोते दा पुत्र है। तेरे को पता है ना अंदर वो तपस्या कर रही है, तो अंदर से डांस की आवाज आएगी, डीजे चलने की आवाज आएगी, मंत्रों की आवाज आएगी ना। वैसे एक बात तेरे को बता दूं, भगवान अगर टांगे लंबी देना तो जरूरी नहीं कि बीच में अड़ाई जाए। अपना काम कर, कहीं ऐसा ना हो नागिन से पहले डाय नहीं ए, मार बोल के खत्म करे। मैं उससे फूफा जी को वापस ले आऊंगी। अच्छा, तुम उन्हें तब वापस लाओगी ना जब उनका शरीर बचा हो। उस पाखंडी बाबा की तरह मैंने उस दुष्ट का शरीर भी नष्ट कर दिया है। उसे अपनी पापों की सजा मिल गई। दो गए, सिर्फ चार बाकी। एक एक करके मैं तुम सबकी जान लूंगी। तुमने मेरे कृष को मुझसे छीन लिया, अब मैं तुम लोगों की सांसें तुमसे छीनूंगी। देखते हैं इस जंग में कौन जीतता है। इंसान मिटकर राख बन जाता है, लेकिन उसकी यादें कभी नहीं मिटती। अब हो गए हुए 3 दिन बीत चुके हैं, मेरे दिल को यकीन नहीं हो रहा कि आप मुझसे हमेशा के लिए दूर हो चुके। उन पापियों की उल्टी गिनती शुरू हो गई है कृष्ण। आपकी मौत के लिए जिम्मेदार दो लोगों को तो मैं मौत की घाट उतार चुकी हूँ। अब बहुत जल्द एक एक करके बाकी पापियों को नरक की आग में झोंक दूंगी। कल की सुबह किसी
किसी एक की मौत बनकर रहेगी। मामा से कहो कि अपना मुंह कम खोले, तो पहली वो नागिन हमारे पीछे पड़ी हुई है, अब अगर प्रीति से भी पंगा ले लिया ना तो कल के मरते आज ही मर जाएंगे। से कहो जैसा प्रीति ने कहा चुपचाप वैसे करे, चुप। कौन है? सर हम यादव मूवर्स एंड पैकर्स से आए हैं। नहीं, क्या कर रहा बेटा, क्या कर रहा है? मचा दरवाजा मत खोलना, मुझे पक्का यकीन है बाहर नागिन है। बेटा नागिन ना किसी भी रूप में आ सकती है, कल देखा था ना वो क्या वो लॉयर बन के आई थी ना, आज ये पैकर मूवर बन के आई है, मुझे पक्का यकीन है। मॉम डोंट वरी। इतनी भी क्या जल्दी, जरा अपनी मौत से आंखें चार तो कर लो। राधिका बाबू मैंने कुछ नहीं किया है, मुझे जाने दो भगवान के लिए, मुझे जाने दो यहाँ से। सच मानो तो भगवान भी तुम जैसे पापियों पर तरस नहीं करता, तुम्हारे पाप का घड़ा तो इतना भर गया कि बस फूटने ही वाला। मैं इस तलवार को मौत के लिए तैयार करती हूँ। तुम जान रहे, तुम लोगों की छोटी सी गलती भी उस नागिन के लिए भागने के दरवाजे खोल सकती है, उससे जरा दूर ही रहे। मैं जल्द ही उसकी मौत बंद कराऊंगी। जल्दी करो। भले ही अपना वादा तोड़कर मुझे अकेला छोड़कर चले गए, लेकिन मैं उनसे अपना किया हुआ वादा टूटने नहीं दूंगी। मैं अपना बदला लेकर रहूंगी और इस बार मेरी कहानी पूरी करने से मुझे कोई नहीं रोक सकता। आज तुम्हें कोई नहीं बचा पाएगा।